नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। पहले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को नीतिगत दरों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से नीतिगत दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। एमएसएफ रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% रहेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के तहत गुरुवार को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत हालांकि शुरू में की थी। पार्टी ने आरोप लगाया था कि आगरा में एक बुजुर्ग से कर्मचारियों ने कमल पर वोट डलवा दिया, जबकि वो साइकिल को वोट देना चाहते थे। वोटिंग शुरू होने के बाद से सपा की तरफ से लगातार अलग अलग बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से की जा रही थी। कर्नाटक के उड़प्पी में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद काफी गहरा गया है। मामला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास सुनवाई के लिए पहुंच चुका है। उड़प्पी भले ही लखनऊ से काफी दूर है, लेकिन हिजाब विवाद एक भावनात्मक मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को यूपी चुनाव में मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने में मदद कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहारनपुर में रैली की। पीएम ने पहले चरण में वोटिंग वाले सीटों पर प्रचार तो नहीं किया, लेकिन इसके लिए माफी भी मांगी। पीएम मोदी ने कहा कि वोटर्स ने तय कर लिया है कि विकास करेगा और जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसी को वोट देगा। पीएम ने कहा है कि जो हमारी बहन बेटियों को भय मुक्त रखेंगे उसी को वोट देंगे, जो अपराधियों को जेल भेजेंगे उसी को वोट देंगे। इंडोनेशिया में एक मगरमच्छ के गले में पिछले करीब 5 साल से बाइक का एक टायर फंसा हुआ है जो अब जाकर निकल पाया है। इस टायर की कहानी इतनी चौंकाने वाली थी कि इसे सुनकर कोई भी हैरान रह गया। इसके लिए सरकार ने इनाम तक रखा था, लेकिन स्थानीय अधिकारी इसमें सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद वहां का एक बहादुर युवक ने ऐसा कारनामा कर दिखाया। मगरमच्छ की जान भी बच गई और टायर भी निकल गया। कर्नाटक में खड़ा हुआ हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक अब पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वो इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट से खुद को स्थानांतरित करने को लेकर दायर याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि यह मामला अभी उच्च न्यायालय मामले के पास है। एचसी को सुनवाई जारी रखने और फैसला करने की इजाजत दी जानी चाहिए। श्रीना बोरा मामले में मुख्य आरोपी इंद्रानी मुखर्जी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत को आदेश की प्रति नहीं मिलने पर मामले की सुनवाई 14 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पूर्व मीडिया दिग्गज मुखर्जी अपने बेटे श्रीना बोरा के जान लेने के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की एक विशेष अदालत की न्यायिक हिरासत में है। भाजपा ने कांग्रेस पर गलवान घाटी का ज्यादातर हिस्सा चीन को सौंपने का आरोप लगाया है। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल ने दावा किया है कि जवाहरलाल नेहरू सरकार के कार्यकाल में ही गलवान घाटी का ज्यादातर हिस्सा चीन को सौंप दिया गया था और यह सीमा तब से वैसी ही बनी हुई है। इससे बीते सालों में 1 इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। दिल्ली सचिवालय का पता जल्द ही बदलने वाला है। दिल्ली सरकार ने आईटीओ पर 35 मंजिल के 2 टावर बनाए जाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इन दोनों टावरों को ट्विन टावर कहा जाएगा। इन्हें बनाने में 1910 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। ये ट्विन टावर दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बनाया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में भर्ती होने वाले मरीजों को अब कोरोना जांच करवाने की जरूरत नहीं होगी। एम्स ने भर्ती होने वाले मरीजों और सर्जरी करवाने से पहले नियमित कोरोना जांच पर रोक लगा दी है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी के शर्मा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि आईसीएमआर के दिशा निर्देश के अनुसार ये रोक लगाई गई है। इस फैसले से उन मरीजों को राहत मिलेगी जिन्हें भर्ती होने या सर्जरी करवाने से पहले कोरोना जांच के लिए भटकना पड़ता था। लोकसभा में एक सवाल और जवाब की भाषा को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान द्रमुक सांसद एक गणेश मूर्ति ने एफडीआई से संबंधित एक पूरक सवाल तमिल में पूछा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जवाब हिंदी में दे दिया। डीएमके सांसद को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछता हूं तो मंत्रियों को केवल अंग्रेजी में ही जवाब देना चाहिए। देश में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 67,084 नए मामले मिले हैं और 1241 मरीजों की जान गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,67,882 लोग ठीक भी हुए हैं। इस समय 7,90,789 एक्टिव केस हैं और संक्रमण दर 1.86% है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 4.44% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 6.58% है। बीते दिन पूरे देश में 15,11,321 कोरोना टेस्ट हुए। अब तक 74.61 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। वहीं कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है। अब तक 171.28 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है।
उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में आज सुबह कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा देखने को मिला। आगरा में विजिबिलिटी सबसे कम रही, वहीं ग्वालियर में 50 मीटर के करीब थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 5:30 बजे पालम में 150 मीटर और गया में 25 मीटर विजिबिलिटी थी। IMD के मुताबिक और उत्तर पश्चिम मध्य भारत और गुजरात के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ के साथ उत्तरी मैदान में व्यापक वर्षा और पहाड़ियों पर हिमपात के कारण तापमान में गिरावट आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने बुधवार को राज्यसभा में जानकारी दी कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद कम से कम 610 कश्मीरी प्रवासियों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई गई है। गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि 1,080 करोड़ रुपए खर्च करके प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत कश्मीरी प्रवासियों के लिए 3,000 सरकारी नौकरियों की व्यवस्था की गई है। पलक्कड़ के जंगलों में चट्टानों के बीच लगभग 2 दिनों तक फंसे बाबू को कड़ी मशक्कत के बाद सेना के जवानों ने सकुशल बचा लिया है। मलमपुझा के रहने वाले 23 वर्षीय ट्रैकर बालू चट्टानों में स्थिर तो निकल गए हैं, लेकिन अब नई मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल बाबू के खिलाफ वन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। कर्नाटक का हिजाब मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। याचिका में इस मामले की सुनवाई को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाकर सुप्रीम कोर्ट से इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए याचिकाकर्ता को कहा है कि यह मामला फिलहाल हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। साल 2022-23 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र का हिस्सा 5,25,166 करोड़ रुपए है। यह धनराशि 2022-23 के कुल वित्त बजट के 13% के लगभग है। साल 2021-22 के लिए कुल रक्षा बजट 4,78,196 करोड़ रुपए था। इस तरह रक्षा बजट में करीब 9.8% की बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही सीमा पर चल रही सामरिक चुनौतियों का दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए सैन्य साजो सामान के निर्माण में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए विशेष जोर दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2022 के अपने लॉन्च मिशन की शुरुआत 14 फरवरी को करेगा। स्पेस एजेंसी उस दिन PSLV-C52 रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में भेजेगी। इसरो ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से सोमवार को सुबह 5:59 पर PSLV-C52 को लॉन्च किया जाएगा। इंटरनेट मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहने वाले आनंद महिंद्रा अक्सर ही रोचक जानकारी और मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं। आनंद महिंद्रा ने एक बार फिर से एक ऐसी ही तस्वीर शेयर की है जो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। इस बार आनंद महिंद्रा ने हिंदुस्तान की अंतिम दुकान की तस्वीर शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू इतने सक्षम है कि किसी के पास उनके खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है। हिंदू समुदाय किसी के प्रति विरोधी नहीं है। बता दें कि भागवत बुधवार को हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य के जयंती समारोह में भाग लेने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना सामर्थ्य है कि किसी के पास हमारे सामने खड़े रहने की ताकत भी नहीं है। सरकार ने बुधवार को देश में ही ड्रोन के निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत कुछ अपवादों के साथ विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अनुसंधान और विकास के साथ रक्षा क्षेत्रों के लिए इसके आयात पर कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा आज जारी किए गए रिलीज में बताया गया है कि ड्रोन के कॉम्पोनेंट के आयात पर किसी प्रकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। मुंबई पुलिस के बर्खास्त API सचिन बाजे ने प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है। बाजे वर्तमान में एंटीलिया कांड में न्यायिक हिरासत में है। वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपित है जिसमें देशमुख को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की कोशिश रंग लाने लगी है। इसका बड़ा असर देश के छात्र शिक्षक अनुपात में देखने को मिल रहा है। ये स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुआ है। वैसे भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बड़ी जरूरत सभी शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की संख्या के मुकाबले शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता ही है। अगर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने और सिखाने वाले शिक्षक ही नहीं होंगे तो बेहतर गुणवत्ता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत की जेलों में बंद विदेशी कैदियों को लेकर एक चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत की जेल में बंद 10 में से 7 विदेशी कैदी अभी भी अंडर ट्रायल हैं। राष्ट्रीय अपराध इकाई रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2020 रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसमें 2020 के आखिरी तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव अब जोर पकड़ता जा रहा है। इधर आम आदमी पार्टी भी चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटी हुई है। इसी बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी प्रचार अभियान में जुटने वाली हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। बता दें कि पहले चरण में आज 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान देखने को मिला। पहले चरण में ही भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इसी चरण में भाजपा के 9 मंत्री मैदान में होंगे। वहीं पहले चरण के मतदान पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की थी। सीएम योगी ने लिखा कि आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है, आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है, उनके वेतनमान के साथ साथ डीए में भी वृद्धि होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी घोषणा कर सकती है। इसमें कर्मचारी और अधिकारियों के वेतन ही नहीं बढ़ेंगे, भत्तों में भी वृद्धि हो जाएगी। खासकर महंगाई भत्ता कर्मचारियों को लंबे अरसे से इसका इंतजार है। यूपी में एक और 11 जनपद में पहले चरण का मतदान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता से पूछा कि बताइए कि यूपी में कानून का डंडा चलाना चाहिए या नहीं। वहीं उन्होंने लोगों से महिला सुरक्षा और गन्ना किसानों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए मतदान करने की अपील भी की। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है। इस गाने का टाइटल है ढोलीडा, जिसे आलिया भट्ट पर फिल्माया गया है। मंगलवार को आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए गाने की पहली झलक दिखाई थी। तभी से आलिया के फैंस उनके इस गाने को देखने के लिए बेकरार थे। अब गाने के रिलीज होने के बाद आलिया और गाने को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार जावेद अख्तर ने कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब को लेकर छिड़े विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कर्नाटक में हाल ही में सामने आई घटनाओं पर नाराजगी तो जताई है। इससे पहले कमल हासन ऋचा चड्ढा ने लड़कियों को परेशान करने के लिए प्रदर्शनकारियों की आलोचना की थी। अब जावेद अख्तर ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, कार्तिक शाह गुप्ता, कुश कुमार यादव, प्रिया यादव, नुन्नू कुमार, मुकेश कुमार, प्रिंस कुमार, आलोक कुमार आजाद, क्रिएटर मासूम, अक्षय कुमार यादव, पूजा सिंह, कैलाश पटेल, नेहा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में जारी कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या कई राज्यों द्वारा स्कूल खोले जाने का फैसला सही है या नहीं। अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।